हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यार कुछ भी कह लो, मगर आज भी हमारी इंडस्ट्री में निहारिका जैसी कोई हीरो ही नहीं है। थैंक यू एवरीवन। वाह निहारिका जी वाह, कमाल कर दिया। हमारे फिल्म के गाने में भी इतना अच्छा डांस नहीं था जितना आज हुआ है। थैंक यू। तो मेरी फिल्म का हीरो है उस निहारिका का चमचा, नहीं समझा? सॉरी कुकु जी, वो एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाया। मधुमक्खी की तरह चिपक जाते हैं लोग बस जहाँ जाओ, डॉक्टर को तो कोई पूछता भी नहीं। चिंता मत कर, अगली फिल्म में देख लेंगे इसे। देखिए आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, बट अभी मुझे जाके कपड़े बदलने, इट्स लिटिल अनकंफर्टेबल। तब तक कीर्ति आपके सारे सवालों के जवाब देगी। ओके थैंक यू प्लीज। निहारिका को अभी घर ले। इस फिल्म से तो मैं लॉन्च होने वाला था, ये पूरी पब्लिसिटी तो ये निहारिका लेके चली गई। कीर्ति अब तुमने मुझसे एक भी शब्द कहा ना, मैं सच में तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। मगर मैम बस और कुछ नहीं। मैम आप मुझे तो चुप करा सकती है लेकिन सच को नहीं बदल सकती। मैं कह रही हूँ ना आपसे, वो वापस आ गया है। मेरे घर चोरा, तुम खुद भी डर रही हो और मुझे भी डरा रही हो। जाके जल्दी से सारे खिड़की दरवाजे बंद करो। काका पीनू मगर काम करो। मैम दरवाजा बंद कर दिया मैंने और घर की सारी खिड़कियां भी बंद है। लगता है घर पे कोई नहीं है। ये सारे नौकर कहाँ चले गए जैसे पिछली बार चले गए थे? नहीं, इस बार पिछली बार की तरह कुछ नहीं होगा। मैं अभी ईशान को फोन करती हूँ। इसका फोन क्यों बिजी आ रहा है? मैम पिछली बार वो आपके लोनावला वाले बंगले में घुसाया था, अगर इस बार दोबारा घर में घुसाया तो गाना, ये गाना कौन बजा रहा है? ये तो वही गाना है ना मैम? क्यों नहीं आते? नहीं मैं उसको चुनौती मत दीजिए, आप यही रुकिए मैं देख के आती हूँ। कीर्ति थोड़ा जल्दी आना प्लीज। बस यू गई और यू आई। ईशान को फोन करती हूँ। हेलो हेलो ईशान कहो तुम, प्लीज जल्दी घर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज जल्दी कीर्ति कहाँ चली गई? पिक कर आ जाओ। प्लीज ये गाना बंद कर दो।
कौन है? प्लीज इसे बंद कर दो, प्लीज। थैंक गॉड ये गाना बंद हो गया, नहीं तो आज मेरे कानों से खून निकल आता। कीर्ति कहाँ हो तुम? निहारिका कहाँ हो तुम? देखो आवाज तो यहीं से आई। निहारिका 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 आंखें खोलो। हे भगवान अब ये किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। ईशान जी तुम कह रहे हो तुम्हारी पत्नी निहारिका और मैनेजर कीर्ति ये दोनों अकेले ही थे घर में जब ये हुआ, बाकी सारे नौकर चाकर सब गायब? जी बिल्कुल। सच कहूं ये कहानी है ना बनी बनाई लगती है। सर प्लीज आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं जब वापस घर पहुंचा तो निहारिका यहाँ बेहोश थी और कीर्ति की लाश उसके ऊपर गिरी थी। ये कैसे विश्वास करे? निहारिका मैडम ने पार्टी से ही फोन करके कहा था कि हम सब घर चले जाएं, तो हम सब चले गए। तुम कौन हो? सर मैं महेश, घर का सर्वेंट। सर ये बिल्कुल झूठ है, निहारिका के फोन से कोई कॉल आया नहीं। हम झूठ क्यों बोलेंगे साहब? तुम्हारे पास मोबाइल फोन है? फोन तो लैंडलाइन पे आया था साहब। सर अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप निहारिका का फोन चेक करवा लीजिए। वो तो हम चेक कर ही लेंगे ईशान जी। अभिजीत गड़बड़ है, लगता है घर से पहले पार्टी में बहुत कुछ हुआ है। बस इसकी गर्दन बुरी तरह से टूट चुकी है, खड़ा करते ही सर लटक जाएगा। ये रस्सी तो बिल्कुल एक झटके में ही काटी गई है सर, मक्खन के तरीके से। उन्हीं ने कीर्ति को यहाँ लटकाया होगा, वो निहारिका इसको देख के इसके नीचे आई, उसी समय रस्सी काट दी गई और कीर्ति निहारिका के ऊपर गिर पड़ी। अभिजीत किसी एक आदमी का काम नहीं है, पुली लटकाई है, पुली से इसे खींचा गया है ऊपर, किसी अकेले का काम हो ही नहीं सकता, कोई और भी था। पंका है तो पहले पेड़ पे चढ़े हो ना? अरे सर मेरे पड़ोसी ना बहुत परेशान रहते थे सर, क्योंकि मैं अपने घर पे कम उनके अमरूद के पेड़ पे ज्यादा मिलता था। फिर तो बढ़िया है, चढ़ जाओ इस पेड़ पे और अमरूद नहीं सुराग ढूंढना। इस पेड़ पे सर प्रॉब्लम है? नहीं सर प्रॉब्लम नहीं, वो बचपन की बात थी सर, अभी बुढ़ापा आ गया है, मेरा मतलब है जवानी है सर। और चलो ऊपर सर। देखिए देखो जरा ये रस्सी कहां तक जाती है। बस एक मिनट, बस ये देखो ये इसके कान के पीछे एक छोटा सा निशान नीले रंग का, लगता है किसी ने जहरीली सुई चुभाई है इसके। ये देखो ये छोटा सा टुकड़ा सुई का ये हिस्सा अंदर रह गया, बाकी का हिस्सा शायद रस्सी खींचने की वजह से टूट गया होगा। ए, ए,
निकल। पंकज। ये क्या कर दिया? पंकज। अरे निकल। रुको 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 रुको। निकल। अरे नीचे उतारा। कुछ नहीं होगा। आजा। अरे निकल। अरे आराम से छोड़ो उसे नीचे। निकल। मुझे छोड़ना नहीं चाहिए। अरे जूते में फंसा है, खींचो मत। अबे निकल, मैं गिर जाऊंगा। निकल। क्या कर रहा है यार तू? अरे 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 यार। अरे मत। अरे छोड़ा क्यों? छोड़ा नहीं, कुछ कर लिया। सर 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 थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। जहां भी ले जाओ कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहेगा। अच्छी खासी प्लानिंग की गई है आपके गार्डन में मर्डर की। पेड़ पे पुल्ली लगाई गई है और कीर्ति की गर्दन में हमें यहाँ जहरीली सुई मिली है। जिसने भी ये किया है ना वो इसी घर के अंदर का ही कोई है। हम में से कीर्ति को कौन मारेगा? ईशान जी, ये गार्डन किसका है? आपका है ना, तो फिर इस गार्डन में कौन आ सकता है? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए हमने एक वॉचमैन भी रखा है यहाँ पर। कहाँ है वॉचमैन, बुलाइए जरा। जिमी, जिमी। सर अभी तो यही था। पंकज, जरा देखो ये जिमी नाम का वॉचमैन कहाँ पे। बस आप ये इंजेक्शन लगवा दीजिए, उसके बाद देखिए आप कैसा रिलैक्स महसूस करेंगे। कीर्ति की मौत के सदमे से मैं कभी नहीं उबर पाऊंगी। पता नहीं मेरी जिंदगी में उथल पुथल क्यों है। देख रहे हैं आप लोग कितने सदमे में है, और अब इसके बावजूद भी आप इससे सवाल पूछना चाहेंगे? जी हाँ, देखो ईशान, ये खून का मामला है और कीर्ति को आखिरी बार देखने वाली निहारिका ही है। लेकिन सर मैं आप लोगों को इस बारे में सब कुछ बता तो चुका हूँ। हमने सब कुछ आपसे नहीं पूछा, उस सवाल इनके लिए भी बचा के रखे। और एक बात अच्छी तरह से याद रखना, फिल्म के प्रीमियर के बाद क्या हुआ ये हमें सब पता है। तो बताओ जरा उस दौरान किस हादसे की बात हो रही थी जो निहारिका के साथ पहले भी हो चुका? सर कोई हादसा नहीं हुआ था, किसी ने उस प्रीमियर में मेरे साथ भद्दा मजाक किया था। मजाक सिर्फ मजाक ही रहता तो सीआईडी को यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बताओ निहारिका घर आने के बाद क्या हुआ? जब हम घर आए तब पता नहीं अचानक वो मनहूस गाना बजने लगा। पता नहीं वो गाना कहाँ से बज रहा था। कीर्ति वो गाना बंद करने गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसकी कीमत उसे अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। और जब वो रस्सी टूटी और कीर्ति मुझ पर आकर गिरी, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बहुत डर गई थी। आप देख रहे हैं ना मेरी वाइफ कितनी परेशान है। अब आप प्लीज इसे उस हादसे की याद मत दिलाओ। ऊपर कौन? नहीं तो कोई नहीं है। बिल्कुल है। अरे सर आप ऐसे मेरे घर में नहीं घुस सकते सर। सर ये गलत है सर, आप मेरे घर में ऐसे नहीं घुस सकते सर। रुकिए, बात तो सुनिए मेरी। सर एक मिनट। सर अंदर जो भी है उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना नहीं है तो फिर अंदर छुपा के क्यों रखा, बाहर निकालो। सर ऐसी कोई बात नहीं। चाबी, चलिए चलिए। क्या कर रही है? अंतरा, नहीं अंतरा मेरी बात सुनो। अंतरा देखो शांत हो जाओ, अपनी गन नीचे करो। देखो हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। गन तो मेरी, मेरी है वो गन। बैठो, गन मेरी है। गन तो मेरी। डॉक्टर साहब जल्दी से कोई दवा इंजेक्शन दीजिए, शांत कीजिए इसे। जी जी सर। कौन है अंतरा और ऐसे क्यों बंद कर रखा है आप लोगों ने? ये मेरी बहन है, इसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, इसका इलाज चल रहा है। अरे तुम इसके हाथ में गन कैसे आ गई? पता नहीं सर, लेकिन सर ये गन मेरी है, मेरे पास लाइसेंस है इस गन का। इतनी लापरवाही, तुम्हारा तो लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए। I'm sorry सर। कल जब ये हादसा हुआ था तो ये अंतरा यहीं पे थी? जी सर। गन तो मेरी, गोलियां चल रही है, दो हाथ भी गोलियां चला रहे हैं। राकेश क्या हुआ उसको? गोलियां चल रही है, दो हाथ भी गोलियां चला रहे हैं। भैया ये जल्दी, अब दोनों बाहर आइए। ये राकेश कौन?
कौन सी गोलियां चलने की बात कह रही थी वो? दरअसल राकेश, ईशान डोंट वरी निहारिका, एक ना एक दिन ये सच दुनिया के सामने आने ही वाला है, बताने दो मुझे। सर दरअसल ये राकेश निहारिका का बहुत बड़ा फैन था, इतना बड़ा फैन कि रात दिन हाथ धो के इसके पीछे पड़ गया। सर उसने निहारिका का जीना दुर्भर कर दिया था। 2 साल पहले निहारिका की शादी दिल्ली में तय हुई थी के नाम के एक प्रोड्यूसर के साथ, और उसी दौरान ये राकेश निहारिका के पीछे पड़ गया। सर किसी काम से निहारिका विदेश गई तो के ने इस राकेश को ठिकाने लगाने का एक प्लान बनाया। ये सारी बातें आपको कैसे पता है? मैं के का असिस्टेंट था। 2 साल पहले के मुझे अपने दिल्ली वाले फार्म हाउस के बाहर ले गया। सर उसने मुझसे कहा कि तुम गाड़ी में बैठो, जानता था कि आज तो मामला आर पार वाला है, लेकिन के इतने गुस्से में था कि मैंने गाड़ी में चुपचाप बैठकर इंतजार करना ही ठीक समझा। यही कोई 5-10 मिनट बाद मुझे राकेश दिखा। जैसे ही वो अंदर गया उसके पीछे पीछे एक लड़की भी अंदर गई, चेहरे पे शॉल लपेट रखी, और बस कुछ ही मिनटों बाद धड़ाधड़ गोलियां चलनी शुरू हुई। गोलियों की आवाज सुनकर तुम वहां से भाग गए? डर गया था सर मैं। पर के राकेश इनका क्या हुआ? पता नहीं सर, मैं तो इतना डर गया था कि 3 महीने के लिए मैं विदेश चला गया। ये बात छुपा कर तुमने जुर्म किया है, पता है तुम्हें? लेकिन सर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था और मैं चला गया। और सर जब मैं वापस आया तो इस पूरे मामले का कोई जिक्र नहीं, मैं भी चुप रहा सर। फिर निहारिका से मेरी मुलाकात दोबारा हुई और 1 साल पहले हमने शादी कर ली। लेकिन सर मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि राकेश इस तरह से वापस आ जाएगा। सर मुझे तो इन दोनों की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा, बहुत बड़ी कहानी लगती है ये। हाँ पता लगा लेंगे इनकी कहानी में कितना सच है और कितना झूठ, दिल्ली के फार्म हाउस में जाकर। सर वॉचमैन जिमी। जिमी कहाँ गायब हो गए थे तुम? सड़क के पास खड़े रह के मस्त गन्ने का जूस पी रहे थे सर, वहीं से पकड़ के लाया। साहब CID बंगले पर आई थी इसलिए मैं डर गया था। कल रात जब यहाँ यह हादसा हुआ कहाँ थे तुम? साहब मैं रात को ड्यूटी पर नहीं रहता। दिन में तो रहते हो ना, दिन में कुछ देखा? नहीं साहब। अरे नहीं साहब कैसे, कल जब तुम दिन में ड्यूटी पर थे तब कोई तो इस बंगले में आया था, क्योंकि इस बंगले के गार्डन में एक पेड़ के ऊपर पुली लटकाई गई है जिस पुली के जरिए कीर्ति को लटकाया गया, मार डाला उसे, और तुम कह रहे हो कोई नहीं आया था? बताओ याद करके बताओ, कोई तो आया होगा। हाँ साहब, माली ने 2 लड़के भेजे थे वो क्यारी में नए पौधे लगाने के लिए। कुछ खास बात उनकी, कोई अजीब बर्ताव? वो दोनों 16-17 साल के लड़के थे और एक ने बिल्कुल अजीब तरह के जूते पहन रखे थे। साहब मैं भी देख के हैरान हो गया कि ये ऐसे अजीब तरह के जूते कैसे पहन सकता है। उनको दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ साहब। सर जब तक ये लड़के खुलेआम घूम रहे हैं निहारिका की जिंदगी को खतरा है सर। सर मैं इस तरह घर पे तो नहीं बैठ सकती ना, मैंने फिल्म के डेट्स दे रखे हैं, मेरी शूटिंग इवेंट्स, इस तरह तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा सर। मैं घबराइए मत निहारिका जी, आपका करियर बिल्कुल सही सलामत रहेगा, आप अपना काम करते रहिए। और हमारी एक ऑफिसर श्रेया आपके साथ 24 घंटे रहेगी। छगाम क्या था? हमारी फिल्म हर डिपार्टमेंट में अच्छी है। कैसे हैं आप? बस अच्छा हूँ। हेलो हेलो। हाय। आपकी तारीफ। दैट्स तारा, मेरी नई मैनेजर है। हाय प्लेजर। हेलो। थैंक यू जो आप मेरे साथ फिल्म करने के लिए राजी हो गए। दैट्स ओके। एक सेल्फी हो जाए प्लीज अर्जुन। तुम देख रहे हो ना कितने परेशान, अभी थोड़ी देर के लिए इस अकेला छोड़ दिया। वैसे कीर्ति के साथ क्या हुआ, कुछ पता चला? कैसी बातें करते हैं आप, ये सब बातें करके आप इसका मूड और क्यों खराब करना चाहते हैं? ठीक है अब इस बारे में बात नहीं करेंगे। कीकू जी कुछ गेस्ट आए हैं, चलिए आपको उनसे मिलाता हूँ। श्योर चले हम लोग। हाय कैसे हैं आप? बस ये पार्टी किसी तरह राजी खुशी खत्म हो जाए बिना किसी हादसे के। ये लाइट को क्या हुआ? निहारिका कहाँ? निहारिका मैम,
निहारिका क्या 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 हो गया? किसने किया ये? निहारिका किसने? सर घबराने की बात नहीं, चाकू का हल्का सा घाव है, नथिंग इज सीरियस। घबराने की बात नहीं, इतना बड़ा जख्म हो गया। मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। ये सब हुआ कैसे? मैंने किसी को नहीं देखा, बस किसी ने मुझे अपनी तरफ खींचा और फिर मुझे चाकू से खींचा। देखा तो, चल चल डॉक्टर। पार्टी में लाइट का जाना और निहारिका पे हमला होना, ये दोनों बातें संजोग नहीं हो सकती। इसका मतलब खूनी का निशाना हमेशा से निहारिका ही थी। कीर्ति तो बेचारी बेवजह मारी गई। अभी जी तुम्हें लगता है यहां पर कोई गुनाह हुआ होगा? मुझे तो नहीं लगता, एकदम साफ सुथरी जगह है। डॉक्टर साहब, जुर्म काफी पुराना है, फिर भी कुछ ना कुछ तो छोड़ गए होंगे हमारे लिए। वो ठीक है, केके और राकेश के ऊपर यहाँ जो गोलियां चली हैं, देखो आसपास कोई शेल वगैरह मिलता है? यस सर। डॉक्टर साहब गोलियां चली है तो खून भी बहा होगा। अभिजीत अगर खून यहाँ पर कहीं है तो ये स्प्रे हमें बता देगा। एक मिनट, ये देखो अभिजीत, खून मिल गया तो शायद लाशें भी मिल जाएं। बिल्कुल सर। सर ये गोलियों के शेल्स मिले हैं वहां पे। 0.22 कैलिबर, रख लो इसको। ये वास टेबल के नीचे पड़ा था, इस पे यहाँ पे कुछ लगा है, देखिए जरा। इसमें जो कुछ भी होगा ये स्प्रे बताएगा। सर ये जूता मिला। हड़बड़ी में सफाई की इन लोगों ने, बहुत कुछ छोड़ दिया हमारे लिए, रख लो। हाँ सर, कुछ मिला? ये देखो ये धब्बे, ये खून के धब्बे हैं। मतलब इस वास से किसी पे वार किया गया है, शायद सिर पे। बिल्कुल, एक काम करते हैं इसके स्क्रैप ले लेते हैं। कहीं केके और राकेश के कंकाल तो नहीं? डॉक्टर साहब ये दो कंकाल। ओ अभिजीत, इन दोनों की पैल्विक गर्डल बता रही है कि दोनों आदमी थे। और देखो इसके सर पे गोली मारी गई है और इसके यहाँ छाती पे गोली मारी है, ये सुराख। जो वास का वार हुआ है इनमें से किसी पे हुआ है क्या? नहीं भाई, इनकी खोपड़ी पर चोट का कोई निशान नहीं। मतलब इन दोनों के अलावा किसी और पे भी हमला हुआ है यहाँ पे। सर कहीं ये वही लड़की तो नहीं थी जो शॉल से अपना चेहरा ढककर अंदर आई थी? सर
दोनों में से एक कंकाल राकेश का है तो फिर वो आदमी कौन है जो निहारिका के पीछे पड़ा है? आश्रय, पार्टी में फिर से हमने वो निहारिका पे समझ में नहीं आता ये सड़ों के कहां फंस गया है। बस रिपोर्ट लाए। हाँ बस, उन दोनों कंकालों के चेहरे बना दिए मैंने इस पेन ड्राइव में, देखो देखो। मतलब हमारा अंदाजा सही था अभिजीत, वो दो कंकाल एक राकेश का और एक केके का। हाँ बस, केके के शरीर में दो गोलियां लगी हैं और राकेश के शरीर में तीन गोलियां लगी, लेकिन इन दोनों के सर पर कोई चोट का निशान नहीं है। तो वास पे जो खून लगा था वो शायद उस औरत का ही होगा। नहीं नहीं अभिजीत, वो खून किसी औरत का नहीं है बल्कि किसी आदमी का। मतलब अभिजीत वहां कोई चौथा भी मौजूद था केके राकेश और उस औरत के अलावा? सर हो सकता है ईशान खुद ही हो वहां पे। लेकिन सर ईशान तो अंदर गया ही नहीं था। सर ये भी हो सकता है कि ईशान हमसे झूठ बोल रहा है। ईशान झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि अगर वो झूठ बोला तो दलदल में और भी फंस जाएगा। इस आदमी की उम्र क्या होगी डॉक्टर साहब? 25 से 30 साल के बीच। अभिजीत एक काम करते हैं, उस फार्म हाउस के आसपास उस वक्त जितने भी फोन्स एक्टिव थे ना सबके रिपोर्ट चेक करते हैं। आदया तो लड़कों का पता चल गया जिन्होंने वो पुली लगाई थी निहारिका के घर में। ग्रेट वर्क। ओके, तरुण सिद्धार्थ और ललित कुमार ये दोनों बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। कुछ पता है कहां मिलेंगे? सर हो रहे बाइक पे बैठे हैं सर। शुक्रिया। थैंक यू। जूते भी बिल्कुल वैसे ही पहने जैसा उस वॉचमैन ने बताया था। अरे तरुण क्या बात है, बड़े गजब के जूते हैं। गजब का रंग और डिजाइन तो लाजवाब है। बस ये पास की दुकान से लिए हैं। लेकिन आप लोग नए टीचर्स हैं क्या कॉलेज में? हाँ टीचर से समझ लो, हम भी राह भटके लोगों को जीना सिखाते हैं। वैसे तुम निहारिका मेंशन में क्या पौधे लगाने गए थे? निहारिका मैम मेंशन कौन है आप लोग? CID से। अरे ना 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 ना, कोशिश भी मत करना, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। इतनी कम उम्र में पढ़ाई में ध्यान देने के बजाय लोगों की मदद कर रहे हो खून करने में। खून में मदद? किसका खून सर? कीर्ति का खून, निहारिका की मैनेजर। सच सच कह रहे हैं सर, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। हमें तो बस बताया गया था कि किसी का बर्थडे है और उसमें सरप्राइज देने के लिए हमें वो रस्सी लटकानी है। हाँ सर, हमें अगर पता होता कि वो एक्ट्रेस निहारिका का घर था तो हम कभी नहीं जाते, हमें तो पैसे मिले थे ये काम करने के। किसने दिए थे पैसे? सर वो इसे फोन आया था, उस आदमी ने अपना नाम नहीं बताया, सीधे पैसे बैंक में ट्रांसफर कर दिए। जिस नंबर से कॉल आया था वो नंबर दिखाओ। इसके पास एक सेकंड सर, ये तो निहारिका के घर का नंबर है। हेलो निशांत, पुली लगाने के लिए तुम्हारे घर के इस नंबर से तरुण को फोन किया गया था, किसने किया ये फोन? देखिए सर वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता लेकिन घर में इतने सारे लोग आते जाते हैं, हो सकता है किसी ने कर लिया, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, निहारिका के घर से तरुण को फोन किया गया था। सर 15 नवंबर को उस फार्म हाउस के पास जितने भी मोबाइल फोन्स एक्टिव थे उनकी लिस्ट आ गई है सर। देखा घर के अंदर चार लोग थे, केके राकेश, डीके डेयरी फार्म और अंतरा। सर इसका मतलब अंतरा ठीक ठाक है सर, ये अपने घर वालों को बेवकूफ बना रही है। और फिर ये अब डीके डेयरी फार्म कहां से आ गया केके के फार्म हाउस पर? सर वो वाज जिस आदमी के सिर पे मारा गया, हो सकता है वो आदमी इस डीके डेयरी फार्म में काम करता। रेडी, जरा पता लगाओ इस डीके डेयरी फार्म के बारे में। यस सर। जयवंती सर वो फोन के रूट मैप बताओ जो उस वक्त एक्टिव थे। ईशान आया केके के पास और फिर दोनों मोती रोड से गए
फार्म हाउस तक। वहां जाकर वो 15 मिनट रुके और फिर चले गए। और ये अंतरा ने पांड नगर से इन लोगों का पीछा किया, ये भी फार्म हाउस में 10 मिनट तक थी। ये राकेश का रूट मैप निकालो। राकेश का फोन चालू हो गया दिल्ली एयरपोर्ट पे, वहां से वो निकला। ऑन द वे उसने किसी को फोन किया, कोई एली। अब ये एली कौन है? तो ये जग्स कॉफी शॉप से एली और राकेश, ये दोनों साथ में फार्म हाउस गए। इस अंतरा और तीन लोगों के अलावा है कौन ये लड़की? जरूर ये एली सब कुछ जानती होगी इस हादसे के बारे में। सर हाँ, पता कर लिया, ये डीके डेयरी फार्म मुंबई में है। ये लो अभिजीत, राकेश और केके तो रहे नहीं, अब बचे तीन लोग, डीके डेयरी फार्म, एली और अंतरा। समझ गया सर, आप यहां इसलिए आए क्योंकि आपको लगता है उन लड़कों को फोन मैंने किया। सर सच तो ये है कि इस घर में पिछले दिनों इतनी पार्टीज हुई, इतने डिनर्स हुए, लैंडलाइन से तो कोई भी फोन कर सकता है। जी हाँ, हम भी यही मानते हैं कि कोई भी फोन कर सकता है, हो सकता है अंतरा भी कर सकती। अंतरा कैसे कर सकती है? आपने खुद उस दिन उसकी हालत देखी थी ना, कितनी बीमार है वो। हम कैसे मान लें कि वो वाकई बीमार है? ऐसी बातें कर रहे हैं सर आप, ये इस तरह की बीमारी का कोई नाटक करता है कि? अगर नाटक नहीं है तो 2 साल पहले दिल्ली में क्या कर रही थी वो? दिल्ली में? अंतरा तो अपने कमरे से हमारी मदद के बिना बाहर भी नहीं आ सकती। सर दिल्ली तो बहुत दूर की चीज है। सर अंतरा को बीमारी की हालत में मैंने भी देखा है, वो वाकई बहुत बीमार है। फिर तो सबकी आंखों में धोखे का चश्मा पहना रखा है उसने। 2 साल पहले दिल्ली में थी वो, उसी फार्म हाउस में, और ठीक उसी दिन जिस दिन राकेश और केके के खून हुआ था। अंतरा दिल्ली में नहीं देहरादून में थी, अपने इलाज के लिए गई थी वो। देहरादून में थी या दिल्ली में, अंतरा से ही पूछ लेते। अंतरा, अंतरा ये कहाँ चली गई? अंतरा सर इम्पॉसिबल, अभी तो यहीं थी वो। मैंने नौकरों से कहा था ना ध्यान रखने के लिए, कहाँ मर गए सबके सब? मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही है। सर ये देखिए सर, यहां से भाग गई हो। क्या कहना है आपको, एक बीमार आदमी यहां बालकनी से भाग सकता है? इसका मतलब अंतरा ने हमको इतना बड़ा धोखा दिया, वो तो बिल्कुल ठीक थी। लेकिन अंतरा ऐसा क्यों करेगी, वो मेरी जान क्यों लेना चाहेगी? इसका जवाब तो अब अंतरा ही देगी। ये दूध लेकर क्यों आई है ब्यूरो? जब आप लोगों का फोन आया तो रास्ते में दूध के पैसों को लेकर झगड़ा हो रहा था मेरा, अब वहीं तो छोड़ के नहीं आ सकती थी ना दूध। देखिए इसका इस्तेमाल तो आप तब कर पाएंगे जब आप हमें ये बताएंगे कि 15 नवंबर 2013 को आपका मोबाइल फोन दिल्ली के एक फार्म हाउस में क्या कर रहा था। अरे जब आज तक मैं दिल्ली नहीं गई तो मेरा फोन कहां से पहुंच जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो फोन आपके पास अभी है वो 1 साल पहले 2 साल पहले किसी और के पास? पिछले साल ये फोन टप्पू के पास था। ये टप्पू कौन? मेरा बेटा। अरे कितना बड़ा आदमी बन गया वो। ऐसा कौन सा तीर मार दिया तुम्हारे इस टप्पू ने? अभी बताती हूँ, आज सुबह ही टप्पू मुझे देखे गए। देखो ये है टप्पू। निहारिका बाकी सब लोग कहाँ हैं? सब लोग अंतरा को ढूंढने गए हैं, लेकिन जब तक वो मिल नहीं जाती तब तक ना मैं चैन से सो पाऊंगी ना जाग पाऊंगी। रिलैक्स, मैं हूं ना यहाँ, कुछ नहीं होगा तुम। लेकिन श्रेया एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, अगर ये सब कुछ अंतरा कर रही थी तो फिर मेरा पीछा कौन कर रहा था? क्योंकि राकेश तो मर चुका है राइट? श्रेया ये वही गाना जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, वो आ गया, वो मुझे मार देगा, इस बार वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मार देगा। रिलैक्स कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं देखती हूँ, शांत हो जाओ। कौन है वहां? देखो तुम जो कोई भी हो बाहर आ जाओ, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। गाना तो बंद हो गया, पता है उसने तुम्हारी बात मान ली। अब बाहर भी आ जाओ, अपनी गिरफ्तारी दे दो। देखो मैं 3 तक गिनूंगी, अगर तुम बाहर नहीं आए तो बहुत पछताओगे।
श्रेया, मैंने हाँ किसी को देखा। श्रेया, वो आ जाएगा, वो मुझे मार देगा। निहारिका, मैं देखती हूँ, तुम यहीं बैठो, कहीं जाना मत, बैठ जाओ। देखो, तुम जो कोई भी हो, सामने आ जाओ। अब छिपने का कोई फायदा नहीं है। सीआईडी से बच नहीं सकते तुम। मुझे बचाओ! निहारिका! Please help me! निहारिका! 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 ऐसे भी सर, वो मुजरिम शायद निहारिका को अपने साथ ले गया है। नहीं सर, अंतरा थी या कोई और, नहीं पाए। I'm sorry सर। अंतरा भागो, अंतरा तुम्हारी जान को खतरा है, अपनी जान बचाओ अंतरा, अंतरा भागो, और तेज भागो अंतरा, भागो अंतरा, तुम्हें भागना होगा, प्लीज भागो। अरे अंतरा का गायब हो गई? गई अंतरा, चली गई तुमसे बहुत दूर। अर्जुन तुम? हाँ मैं, मेरा दिल जानता है कितना इंतजार किया मैंने इस पल का। अर्जुन ये क्या बदतमीजी है? चल चल अंदर चल। कहाँ ले जा रहे मुझे? मैं बोल रहा हूँ ना, चल अंदर चल, अंदर चल। अर्जुन देखो मुझ पे गोली मत चलाना। अर्जुन ये क्या बदतमीजी है? गोली तो चलेगी क्योंकि यमराज से अपॉइंटमेंट फिक्स किया मैंने तुम्हारा। गुड बाय निहारिका। यमराज से मीटिंग तो हमने फिक्स की है तुम्हारी, अब फांसी के सहारे ऊपर जाओगे या फिर मेरे हाथ से मार खाते हुए? निखिल ले जाओ इन्हें। थैंक गॉड सर, आप लोग टाइम पे आ गए, वरना आज तो मैं काम से चली जाती। काम से तो आप वैसे भी जाने वाली? मतलब? मतलब ये निहारिका जी कि आप एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, ना सिर्फ कैमरा के सामने बल्कि असली जिंदगी में भी। तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ पता नहीं तुम्हारे और अर्जुन के बारे में? हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ। सर मैं आपका मतलब कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ आपको, उससे पहले हमारे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए आप। जब केके और राकेश ने एक दूसरे पे गोली चलाई तब आप कहाँ पर थी? सर मैंने बताया ना, मैं इंडिया में नहीं थी, विदेश में थी। झूठ बोल रही हैं आप, यही थी इंडिया में, दिल्ली में। सर ये तो आप खामखा का इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे, मैंने कहा ना मैं इंडिया में नहीं थी। सबूत है हमारे पास। कैसा सबूत? सेल फोन रूट मैपिंग, उससे पता चला कि जब राकेश का फोन एयरपोर्ट से फार्म हाउस की तरफ जा रहा था तब आपका फोन भी साथ साथ में चल रहा था, मगर आपने हमसे कहा झूठ कि आप विदेश में थे। क्यों? चलो ऐसे स्टंट सिर्फ फिल्मों में अच्छे लगते हैं निहारिका, असली जिंदगी में मुजरिमों के साथ ये होता है। बताओ इनको दीदी, मुझे कोई दिमागी बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने मुझे इस हाल में रखा था, आपने मुझे घर से गायब करवाया और अभी मुझे भगा भगा के मारने की बातें कर रही थी। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है ना उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि केके और राकेश एक दूसरे के हाथों मारे जाएंगे, तो तुम्हें क्या जरूरत थी अपनी होशियारी दिखाने की? एक मिनट जरा पूरी बात डिटेल में बताओ। 15 नवंबर 2013 को
दिल्ली के फार्म हाउस में जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। एक्ट्रेस बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े मुझे। प्रोड्यूसर केके की मंगेतर को भी मार डाला मैंने, लेकिन राकेश मेरा राज जान गया था और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। केके चाहता था कि मैं एक्टिंग छोड़कर उसका घर बसाऊं। केके और राकेश दोनों से छुटकारा चाहिए था मुझे, इसीलिए मैंने प्लान बनाया। लेकिन कबाब में हड्डी बनने पहुंच गई वहां अंतरा। अपने भाई राकेश का पीछा करते करते मैं वहां पहुंचा। सब खत्म हो गया था। अचानक दो मुंडे अंदर आए और मेरे सर पे पीछे से वार किया। उन्हें लगा कि मैं मर गया हूं। वो फिर बाहर चले गए। मैं होश में था और मैं वहां से चुपचाप निकल आया। फिर जब गुंडों को लेकर मैं फार्म हाउस पहुंची, तब अर्जुन वहां नहीं था। गुंडों के बॉस को मैंने बहुत डांट लगाई और कहा कि सारी लाशें जाकर ठिकाने लगाए। उसके बाद अंतरा को ले जाकर मैंने जबरदस्ती ऐसी ऐसी दवाइयां दी जिससे वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। मुझे 2 साल प्लानिंग की सर मैंने, अपने भाई की मौत का बदला लेने की। वही सब किया जो भाई ने से डराने के लिए किया। लेकिन तुम्हारे इस बदले की आग में तुमने बेवजह एक मासूम लड़की की जान ले ली, कीर्ति की। क्या करता सर, मेरे सर पे जुनून सवार था, बदले का। वाह रे वाह, बदले का जुनून सवार था। अब जेल की सलाखों के पीछे बदले की माला जपते रहें, तब तक फांसी का ऑर्डर तो आ ही जाएगा। और तुम निहारिका, ये मत समझना कि तुम छूट गई हो। कानून तो तुम्हें भी कड़ी से कड़ी सजा देगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.